हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ फिर से आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग करूंगी ये सारे डिब्बे जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है अपने किचन के लिए और एक दो चीज़ें अपने घर के लिए भी है जो कि बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं और डेली यूज़ में ना बहुत ही काम आने वाला है। तो वो सारी चीज़ें मैंने ये ऑर्डर किया था और आज ही ये डिलीवर्ड हुआ है, तो मैं आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग करूंगी और दिखाऊंगी कि वो चीज़ें कैसी हैं, क्या है और कैसा आप लोगों को वो प्रोडक्ट लग रहा है। तो वो सब भी आप लोग मुझे लाइक कॉमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला बॉक्स है ना, उसको अनबॉक्स करते हैं क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने उसको मतलब बहुत दिन से मैं सोच रही थी वो चीज़ मैं परचेज करूँ क्योंकि मुझे ना बहुत दिक्कत आ रही थी। अभी मैं दिखाती हूँ वो चीज़। ये मैंने 3 लीटर का कुकर ऑर्डर किया था। ये स्टील का है, पूरा स्टेनलेस स्टील है। ये मुझे बहुत ही ज़रूरी से चाहिए था। इससे पहले जो मेरे पास था ना, वो एल्युमिनियम का था, छोटा सा था, तो मुझे उसमें ना बहुत दिक्कत आती थी। मैंने बहुत रबर्स भी उसके चेंज करवा कि मैं अभी तक उसको यूज़ कर रही थी, तो मुझे लगा रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक नया कुकर ऑर्डर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये पूरा, ये देख रहे हैं, ये पूरा स्टेनलेस स्टील है जो कि हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। एल्युमिनियम के बर्तन कहते हैं ना हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो उस पर्पस से भी मैंने ये ऑर्डर किया है। और इसका जो नीचे का पार्ट है वो ये देख सकते हैं। तो ये इंडक्शन बेस भी है, आप चाहें तो इसे इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको गैस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, अंदर से देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर मतलब लग रहा है। अब मैं इसको यूज़ करके ना एक बार इसका अलग अलग से भी इसका वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। अभी तो मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ, बट मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये है पिजन कंपनी का, ये देख सकते हैं, पिजन कंपनी का ये है। और ये मुझको पड़ा है 1250 की, 1300 के अराउंड पड़ा है। तो जो भी है रेट मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और यहाँ पे बगल में स्क्रीनशॉट पे भी शायद मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो आप देख सकते हैं। इसकी जो ये सीटी है ये भी काफ़ी अच्छी है, इस पर भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है पिगन, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको यूज़ करने के बाद देखेंगे, इसमें रबड़ भी दिया है, तो इसको यूज़ करने के बाद देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट आता है। इसको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो सबसे पहले जो कि मुझे बहुत ही ज़रूरत थी इस चीज़ की, तो ये है प्रेशर कुकर। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और है, जो मेरा कुकर था ना मैंने इसको इसी में एक्सचेंज में डाल दिया था, तो मेरा वो 2 लीटर का एल्युमिनियम का कुकर था जो कि 300 रुपये बस उसका एक्सचेंज वैल्यू मिला। तो जो भी मेरे को ये मतलब 1000 के अराउंड पड़ा क्योंकि वो 300 रुपये माइनस करके डिस्काउंट करके मुझे ये मिला है, तो मैंने वो एक्सचेंज में ही डाल दिया था क्योंकि घर में उतने सारे बर्तन करने क्या है, जगह भी चाहिए होता है ना रखने के लिए। तो मैंने वो पुराना वाला एक्सचेंज में डाल के और ये नया वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स। ये मैंने ऑर्डर किया था, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे पैकेजिंग के साथ ये मिला है कि बिल्कुल भी ये डैमेज ना हो। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा अच्छे से ओपन करके ये क्या है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था सिरेमिक बर्नी जार बोलते हैं इसको, छोटा सा जार है जो कि सिरेमिक का है और मुझे ये चाहिए था थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए भी, किचन में चाहिए था, जैसे वीडियोस बनाती हूँ तो बैकग्राउंड में कुछ चाहिए मुझे, तो उसके लिए भी मैंने ऑर्डर किया था। प्लस थोड़ा सा मुझे ना ये अचार अचार रखने के लिए भी थोड़ा सा ऐसी क्वालिटी में चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, ये 200 ml का है बट देखने में ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो ऐसे ये 2 पीस है ये, और ये मुझको 350 अराउंड कुछ पड़ा है ये दोनों। ये देख सकते हैं कलर कितना प्यारा है, मतलब किचन में थोड़ा सा ये डेकोरेशन के लिए भी है, प्लस मेरी वीडियो बनाने के लिए भी है, कुकिंग वीडियोस के लिए, तो मुझे ये चीज़ चाहिए था, तो मैंने इसीलिए ये चीज़ ऑर्डर किया है। अंदर भी देख सकते हैं इसका जो ढक्कन है ये काफ़ी अच्छा है, और मुझे कहीं से भी मतलब थोड़ा भी डिफेक्टिव नहीं लग रहा है।
और ये बहुत अच्छा है, तो इसको तो मैं जरूरी रखने वाली हूँ। कुकर भी मुझे रखना है और ये भी मैं रखने वाली हूँ। और नेक्स्ट ओपन करते हैं। ये मुझे चाहिए था जो कि बहुत ही जरूरी था, मैं बहुत दिन से सोच रही थी, बट मतलब मुझे लगता था ना कि अभी इसकी जरूरत है, फिर मुझे लगता था जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको ऑर्डर कर ही लेते हैं क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये है मोबाइल होल्डर जो कि काफी यूज में आएगा मेरे। बहुत दिक्कत हो रही थी, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जो प्लग होते हैं ना वो थोड़े बाहर निकले हुए होते हैं ना, तो अब तक हम उसके ऊपर ही मोबाइल रख के चार्ज करते थे, तो मुझे हमेशा डर लगता था कि इतना महंगा मोबाइल है अचानक से गिर गया नीचे तो टूट जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये होल्डर्स ऑर्डर किए हैं जो कि मैं बोर्ड के बगल में ही वॉल माउंट कर दूंगी। इसके पीछे डबल साइडेड टेप दिया है तो इसको कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही निकाल के, इसको मैं आपको अभी निकाल के और लगा के दिखाती हूँ। तो ये इसमें मुझे ना चार पीस मिला है, अलग अलग कलर्स के मिला है चार पीस, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बोर्ड, और देखिए मैंने ये बगल में ही लगा दिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये मोबाइल है तो इसको आप ऐसे, यहाँ पे ना स्पेस भी दिया है कि ऐसा नहीं कि आपको मोबाइल को उल्टा करके लगाना है, आप इसको इजीली लगा सकते हैं। ये देखिए स्पेस कितना अच्छा है, आप इसमें चाहे तो एक फोन और भी रख सकते हैं, इतनी स्पेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हैंगिंग के लिए भी कितना अच्छा यहाँ पे दिया है, और देखिए कलर भी ग्रीन कलर, मतलब इस वॉल के साथ ये ग्रीन कलर कितना अच्छा मैच कर रहा है। तो कलर्स भी अलग अलग मिला है, और ये मोबाइल होल्डर अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कॉमेंट करिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक्स दिए है, आप जाके वहां पे क्लिक करेंगे ना तो Amazon पे वो पेज चल जाएगा, वहां से डायरेक्ट भी आप परचेज कर सकते हैं। तो अब करते हैं नेक्स्ट। तो एक ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो कि पहले आया था और मैंने अनबॉक्सिंग भी इसका कर लिया, एक महीने पहले ही मैंने इसको ऑर्डर किया था, मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ तो आपको समझ गए होंगे ये क्या है। ये ट्रे है जो कि मतलब जगह छोटी हो कम हो ना तो आप वहाँ पे इसको रख के और भी एक्स्ट्रा अपना सामान रख सकते हैं किचन में। ये बहुत ही यूजफुल है जो कि मैंने एक महीने पहले ही ऑर्डर किया था और मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर लिया था, उसमें वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, और इसका बॉक्स जो था वो मेरे बच्चे ने तोड़ ओड़ दिया है, तो मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये भी मैंने Amazon से ही परचेस किया था, तो इसका रेट मुझे याद नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके Amazon पे देख सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है, तो चलिए इसको भी देखते हैं कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। मेरा जैसे ये गवर्नमेंट क्वार्टर में मैं रहती हूँ तो यहाँ के किचन्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो मुझे कुछ भी सामान रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसी पर्पज से मैंने ये ऑर्डर किया कि मैं इसको नीचे ऊपर दोनों मतलब एक ही जगह पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकूँ। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, ये जो स्पेस है यहाँ पे गैस के बगल में, तो ये देखिए कितने अच्छे से मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये। और देखिए यहाँ पे मैं अगर सामान रखूँ तो आप देख सकते हैं ये बड़ी सी बॉटल है, ये नीचे भी आ गई है। ये जो मैंने क्यूट क्यूट से जो ऑर्डर किया ना जार, इसे भी आप रख सकते हैं। ये स्पेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और नीचे भी आराम से आ सकता है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे नीचे में रख सकती हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आ जाएंगी आराम से। अगर मैं इसमें देखो एक्स्ट्रा अगर डिब्बे रख के दिखाऊँ ना, तो ये देखो ये जो छोटे छोटे वाले डिब्बे हैं ना, ये कितने आराम से इजीली आप देखो ये आगे पीछे करके ना पूरे के पूरे मतलब ये 6 से 7 आराम से आ जाएंगे। मैं आप लोगों को वही ऊपर से पूरा निकाल के आप लोगों को इसमें डाल के दिखा रही हूँ। देखिए 3 इधर है, 3 पीछे आराम से आ जाएंगे, ऐसे ऊपर भी आ जाएगा, तो काफ़ी स्पेस है, छोटी सी जगह पे एडजस्ट हो जाता है, तो आप यहाँ पे कुछ भी सामान रख के ना अपना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो बार बार चीज़ें उठाने रखने की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पर आप इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो मेरे बहुत ही काम का चीज़ है और मेरे को बहुत ही यूज़फुल लग रहा है। अगर आपको भी ये चीज़ चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट Amazon पे जाके परचेज कर सकते हैं। अब लास्ट बचा है एक ये, तो ये ना ही किचन का आइटम है ना ही घर का आइटम है, ये है एक मैंने अपने बच्चे के लिए मंगाया है जो कि है एल्बम। मेरे बच्चे की बहुत सारी फोटोज़ हैं जो कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स की जो कि ऐसी रखी हुई है, और मैं 2 साल से सोच रही थी कि मैं उसके लिए एक अच्छा सा एल्बम बनाऊं जो कि उसको बड़े होकर वो देखे और हम लोग भी देखें। तो ये मैंने एक छोटा सा क्यूट सा एल्बम ऑनलाइन Amazon से परचेज किया है। इसमें क्या है,
कि ऐसे अंदर ब्लैक शीट्स आपको मिल जाएगा, इसके में आप फोटोज पेस्ट कर सकते हैं, फेविकोल से कोई भी ग्लू से आप इसमें फोटो पेस्ट करके आप इसमें चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया, इसमें बहुत तरह का अमेजोन में है और यहाँ पे मैंने ये सिंपल ही वाला यूज़ किया है क्योंकि बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग क्यूट सा एल्बम भी होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप ये भी देख सकते हैं। इसमें शीट्स कितनी है ये सब मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसका रेट भी आई थिंक 250 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, मतलब इसमें मुझे लगता है कि 100-200 फोटोज आराम से मैं पेस्ट कर सकती हूँ आगे पीछे, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि आपको इन सब प्रोडक्ट्स में से जो भी पसंद आ रहा है उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके अमेजोन से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको इन सब में से कौन सा प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा और काफी यूजफुल लगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।